हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेटेस्ट सेशन विद अलका। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आजियो कुर्तीज और कुर्ता सेट हॉल। फिर से सेकंड वीडियो आई थिंक मेरी कुर्तीज और कुर्ता सेट पे। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। कम से कम ये 6-7 हैं, जिसमें कि कुछ कुर्तीज हैं और कुछ कुर्ता सेट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबके रिव्यूज मैं आपको दूंगी, सबके बारे में बताऊंगी कौन कितनी रेंज तक का है। और वैसे सारे के सारे अंडर 500 हैं, 500 से ऊपर का कोई भी नहीं है। पूरा 500 भी नहीं पहुंचा है, 450 तक ही लास्ट है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जितनी भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, ऑफिस जाने वाली गर्ल्स होती हैं, सबको समर्स में कुछ कंफर्टेबल चाहिए होता है। तो उसके हिसाब से मैं आज बहुत ही प्यारी प्यारी कुर्ता सेट और कुर्तीज लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहली है ये, जो कि है अवासा से। बहुत ही प्यारा कुर्ता है ये, सीरियसली। इसका रेयन का फैब्रिक है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है इसका। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका नेक डिजाइन। कुछ थ्रेड वर्क कर रखा है इस पे और बीच में मिरर्स लगा रखे थे, जो आर्टिफिशियल मिरर्स होते हैं। और बहुत ही प्यारी सी इसकी डिजाइनिंग है। पूरी में प्रिंट है, सिंपल प्रिंट है, बस आगे थोड़ा सा थ्रेड वर्क है। बहुत ही प्यारा कुर्ता है सीरियसली, और काफी ज्यादा अच्छा है। रेयन इसका फैब्रिक रेयन है और काफी अच्छा है ये। ये मुझे 300 तक का पड़ा था। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और फुल इमेज भी मैं साइड में अटैच कर दूंगी, आप देखिएगा। बहुत ही प्यारा है, जो भी आपको पसंद आता है आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा कुर्ता है और काफी अच्छा है। ये मुझे 300 तक पड़ा है। तो चलिए बिना देरी के नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये कुर्ता सेट। ये कुर्ता सेट मुझे पड़ा था 450 तक की रेंज में, काफी अच्छा था। रितिका इसकी ब्रांड है, रितिका। इन्होंने ये टैग करके नहीं दिया, ऐसे ही रख दिया बस। और चलिए सबसे पहले ना मैं आपको बॉटम दिखा देती हूँ। बॉटम एकदम सिंपल सा है, कुछ ऐसा इस पे बिल्कुल भी नीचे वर्क वगैरह नहीं है, एकदम सिंपल सा है। नॉर्मल ट्राउजर्स है, लेकिन काफी कंफर्टेबल है। पीछे इसकी इलास्टिक है और आगे कुछ नहीं है, प्लेन है एकदम। पीछे से ऐसे है और आगे से ऐसे है, बट अच्छा है, काफी अच्छा है। इसका कलर भी बहुत प्यारा था। अब इसका आपको मैं अपर पार्ट दिखाती हूँ। अपर पार्ट भी बहुत, ये बहुत ही प्यारा है। इसमें एक अलग सा ही शिमरी सा कुछ है, अब ऐसा थ्रेड होगा, काफी अच्छे से शाइनिंग सी आती है इसमें, आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए आते हैं नेक पर इसकी। इसकी नेक पे आपको बीट्स वाले डिजाइन मिलेंगे देखने के लिए, ये देखिए। और इसका थोड़ा सा कट वी में है। ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं इनको फुल पहनकर आपको पिक्चर साइड में अटैच जरूर करूंगी, आप देखिएगा, काफी अच्छा है ये। और इसका स्लीव थोड़ी डिफरेंट है उससे, देखिए। ये साइड में एक कट दे रखा है, इस तरीके की स्लीव्स हैं, 3/4 स्लीव्स हैं ये इतनी आती है बस, लेकिन काफी अच्छा है। और ये कट दे रखा है, काफी अच्छा है। पूरा प्लेन है, बहुत ही अच्छा है। इसका कॉटन का फैब्रिक बताया था, बट आई थिंक ये थोड़ा कॉटन और कोई और इसमें कपड़ा मिक्स है, कोई और दूसरा फैब्रिक इसमें मिक्स है। पूरा कॉटन तो नहीं है ये, बट कम्फर्टेबल है पहनने में। और इसका नेक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी लोगों को अनकंफर्टेबल होता है बड़े नेक्स में। तो इस तरीके के कुर्ते काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे बजट में हैं। ऐसे आप लोग कहीं भी बाहर पहन सकते हैं, ऑफिस कॉलेज में, या फिर अगर आप कहीं और कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां पर भी ये चल सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सबकी रेंज सब कुछ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब एड करती जाऊंगी, आप चेक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है ये कुर्ता, जो कि मैंने ओनली 150 में मंगाया था आजियो की सेल से, जो कि काफी अच्छा आया था। ये कॉटन में है कुर्ता और इसकी नेक पे ये बटन वाला वर्क हो रहा है। सिर्फ 3-4 बटन लगे हुए हैं ओनली, और पूरा कुर्ता ऐसे प्रिंट में प्लेन है और कुछ इसमें ऐसा वर्क नहीं कर रखा है भी, सिंपल सा है। कॉटन का कुर्ता है, बहुत ही प्यारा है ये। है इशितवा ब्रांड का, काफी अच्छा है कुर्ता, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है, और ओनली ऑन 150 सीरियसली, काफी अच्छे रेंज में मुझे ये पड़ गया था। तो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं अब आपको।
नेक्स्ट है कुर्ता सेट, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, एकदम कौन सा पिंक है ये बट जो भी है बहुत ही प्यारा पिंकिश है इसका। मैं पहले आपको अपर पार्ट दिखाती हूँ। अपर पार्ट इसका कुछ ऐसे है, एकदम फुल लीफ वाला प्रिंट है इस पे, आगे भी और पीछे भी, बट बहुत प्यारा है। अब मैं आपको इसका नेक दिखाती हूँ। नेक डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से है, सिंपल सी नेक डिजाइनिंग है, ऐसे कोई इसमें हैवी वर्क नहीं है। इसमें जो सितारे होते हैं मिरर्स वाले, वो वाले लगे हुए हैं, साइड में थोड़ी सी लेस लगी हुई है बस, बट बहुत ही प्यारा कुर्ता है ये। 3/4 स्लीव्स हैं और इसकी स्लीव से बस एक वाइट कलर की पाइपिंग लगी हुई है, काफी अच्छा लुक देता है ये, बहुत ही प्यारा है ये। 350 तक का मुझे पड़ा है और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। चलिए मैं आपको इसका बॉटम दिखा देती हूँ। इसका बॉटम है ये, जिसपे की ऐसे बूंदी बूंदी वाला प्रिंट है पूरे पर, और काफी अच्छा है। इसमें नीचे कट भी दे रखा है इस तरीके से ट्राउजर में, जो अच्छा ऐसे कट वाले अच्छे लगते हैं। और इसमें दोनों तरफ में इलास्टिक है, एक साइड में प्लेन होता है किसी किसी, बट इसमें दोनों तरफ में इलास्टिक है। काफी अच्छा है इसका फैब्रिक, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप चेक कर सकते हैं, काफी पसंद है। वैसे ये कॉटन में फैब्रिक था, बट मुझे ये थोड़ा मिक्स वाला लगता है कि आई थिंक इसमें कॉटन के साथ कोई और फैब्रिक मिक्स है, बट अच्छा है, काफी कंफर्टेबल है, आप इसको चेक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पूरा खेड़ा हो गया है। नेक्स्ट है ये भी है कुर्ता सेट, काफी अच्छा है ये। पहले मैं आपको उसका बॉटम दिखा देती हूँ, जिसमें कि ये पूरा ट्राउजर है, जिसमें लाइनिंग वाला कुछ प्रिंट कर रखा है, एकदम सिंपल सी लाइनिंग है इसमें, ऑरेंज व्हाइट येलो और एक शिमरी सी लाइन है, वो 4-5 कलर की इसमें लाइनिंग कर रखी है। इसमें नीचे में कोई कट नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे ट्राउजर है पूरा, कोई कट वट नहीं है इसमें। और इसमें भी इलास्टिक दोनों साइड है, एक साइड प्लेन नहीं है, बट काफी अच्छी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं है, काफी अच्छी लेंथ है। तो चलिए इसके अपर पार्ट पे आते हैं। तो अपर पार्ट है ये, इसका कलर बहुत प्यारा है, थोड़ा ऑफ वाइट जैसा है, बिल्कुल भी वाइट नहीं है, आप पूरा येलो ही नहीं है इसमें। येलो आपको इसलिए लग रहा है, इसमें ना थोड़ा थोड़ा येलो प्रिंट है, बहुत छोटा छोटा लाइंस के, इन लाइंस के बीच में है, बट बहुत प्यारा है। और इसमें फ्लावर वाला प्रिंट कर रखा है पूरे पे, आगे भी और पीछे भी। तो चलिए अब मैं आपको उसका नेक दिखा देती हूँ। इसका नेक बहुत ज्यादा थोड़ा डिफरेंट था ये सबसे, ये देखिए इसका नेक थोड़ा वी में है, ये डीप गला नहीं है, ये छोटा सा ही है, बट थोड़ा वी में शेप में दे दिया है पहनने के बाद, इतना सा आएगा ये, बट बहुत ज्यादा अच्छा है इसका। और इसके वी नेक के साइड में थोड़ी ग्लिटरी वाली जो शिमरी सी जो लेस होती है वो लगी हुई है, बहुत पतली पतली सी, और आई थिंक स्लीव्स पर भी सेम वही वाली पट्टी लगा रखी है जो नेक पर लगी हुई है, और साथ में वो वाली लेस लगा रखी है जो नेक पर थी, सेम पैटर्न है, बट बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये भी उसी ब्रांड का है, क्याना का, काफी अच्छा है ये। पूरा कॉटन तो नहीं है, बट कॉटन के साथ थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन काफी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल होगा, बहुत अच्छा है ये, बहुत सॉफ्ट भी है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बिना देरी किए। नेक्स्ट है ये कुर्ता है, जो कि ये भी मैंने 150 में मंगाया था, तो डबल पैकिंग हो रखी है, ये वाला भी मैंने 150 में मंगाया था, और ये भी कॉटन का ही है, काफी अच्छा है। ऐसे 150 में मैंने दो कुर्ते मंगाए थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं, मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे आएंगे। इसकी 3/4 स्लीव्स हैं और इसमें एक छोटे छोटे फ्लावर्स वाला प्रिंट कर रखा है, पूरे पे प्रिंट है, आगे भी और पीछे भी। और इसका नेक दिखा देती हूँ, इसमें भी इसमें दूसरे कलर के हैं, लेकिन इसमें है बटन, 4 बटन दे रखे हैं, गोल नेक है इस तरीके से आपको आएगा, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, डीप वैसे भी नेक अच्छे नहीं लगते, छोटे गले हो और अच्छे हो वही काफी अच्छा है, कंफर्टेबल भी रहता है।
तो ये कुर्ता था 150 का, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। अगर आपको मीशो हॉल चाहिए तो बताइएगा जरूर, नेक्स्ट वीडियो वैसे भी मीशो हॉल पे लेके आऊंगी कुछ डिफरेंट, क्या वो आप मुझे बताइएगा कि कुर्ता सेट्स लेके आऊं या फिर टॉप के लिए लेके आऊं या फिर होम डेकोर का कुछ सामान दिखाऊं आपको, जो भी हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुर्ता सेट, थोड़ा ये येलो सा कलर है, मस्टर्ड कलर जैसा, और ये अपर पार्ट है। अब देखिए पहले इसको पूरा, इसमें आगे भी प्रिंट है और सेम पीछे भी प्रिंट है, प्लेन तो कोई भी कुर्ता नहीं निकला अभी तक। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपको इसका नेक दिखाती हूँ। इसका नेक काफी प्यारा है, इसके नेक में ये थ्रेड वर्क नहीं है, ये प्रिंट है इस तरीके का ब्लू ब्लू, और बस इसमें ये वाला थोड़ा दे दिया है सितारों वाला, और इसके पास में थ्रेड से इसको या तो इसको सिला गया है ये, हाँ चार पांच सितारे से लग रहे हैं इसमें कुछ बस। और इसका नेक थोड़ा कॉलर टाइप में, पूरा कॉलर वाला भी नहीं है बस, हाँ पतला पतला सा ही कॉलर है जो आपको इस तरीके से आएगा। काफी अच्छा है इसका, ये कॉटन तो नहीं है, आई थिंक ये रियॉन का कपड़ा है। और इसकी स्लीव्स पे इसके नेक वाला पैटर्न दे रखा है, एक पट्टी सी लगाकर बस इसको डिजाइनिंग कर दी, इस पे सितारे नहीं है। और इसकी काफी अच्छी लेंथ है, आपको नी से नीचे तक की आपको इसकी लेंथ मिलने वाली है। पूरी पिक्चर मैं इसकी अटैच कर दूंगी साइड में, आप देखिएगा जरूर। और इसका बॉटम पार्ट है, जैसे नेक पे था डिजाइन, सेम डिजाइन इसकी इस ट्राउजर पर है। काफी अच्छा ट्राउजर है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये ट्राउजर थोड़ा प्लाजो जैसा है, मतलब इतना भी पतला नहीं है, थोड़ा चौड़ा ही है, प्लाजो पैंट जैसा है ये। और इसकी पीछे इलास्टिक है और आगे एकदम प्लेन है, मतलब इलास्टिक इसमें शायद कुछ नहीं है, खाली ये, बट काफी अच्छा है, काफी अच्छे रेंज में पड़ा है। मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक जरूर करिएगा। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, सॉफ्ट है एकदम। इसका प्रिंट आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, काफी अच्छा प्रिंट है इसका। ये डेली वेयर में या फिर अगर आप ऑफिस या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं, तो आप इन सबको चेक जरूर करिएगा। काफी अफोर्डेबल है, क्योंकि अफोर्डेबल चीजें जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मीशो हॉल चाहिए या फिर फ्लिपकार्ट भी आपको मैं लेके आ सकती हूँ, जो भी होगा आप मुझे बताइएगा जरूर। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके जो भी आप कहेंगे उसी के ऊपर लेकर आऊंगी, जिसमें ज्यादा वोट होंगे वही वाली वीडियो आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी से शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं ढेर सारे हॉल्स आपके लिए लेके आती रहूंगी, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डाल देती हूँ, आप शॉर्ट्स वीडियो भी चेक करा करिए। शॉर्ट्स वीडियो में कभी कभी एक आध चीज आ जाती तो उसका मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, और मुझे बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बाय बाय।